तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की दरभंगा इकाई, जिसमें सभी ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक, आवास पर्यवेक्षक लगातार तीसरे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। इन लोगों ने अपनी मांग को लेकर लहरिया सराय में समाहरणालय से लेकर टावर तक पैदल मार्च निकाला, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना रोष जताया। जिला बच्चा बाबूलाल देव, आवास कर्मी संघ के जिला संघ संरक्षक राहुल पासवान, जिला संयोजक ब्रज मोहन कुमार चौपाल के अलावे सभी संविदा कर्मी मौजूद थे। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हमारे बिहार राज्य आवास कर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे आज तीसरा दिन है, लेकिन हम लोगों के बीच 3 दिन में कोई सरकार के द्वारा अभी तक अधिकारी अन्य जनप्रतिनिधि आए हैं। उनका मंशा है जो इन लोगों के संविदा पर ही 6 साल से खटाते हैं और आगे भी खटावे। जब चुनाव का समय आता है तो वो रिपोर्ट के चर्चा करने लगते हैं, लेकिन टेबल पे रिपोर्ट पहुंचा के और वो गुम हो जाते हैं। संविदा कर्मी का लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। हम इससे हम लोग चुकने वाले नहीं हैं। जब काम के समय आते हैं तो हम लोग आपदा में भी दिन रात काम करते हैं, महामारी कोरोना में भी दिन रात काम किए हैं DMCH में, और बाढ़ आपदा जो आई है उसमें भी हम लोग दिन रात मेहनत करते हुए लाभुक का और जनता का सेवा अधिकारियों के द्वारा दिन रात आदेश के आधार पे हम लोग किए हैं। लेकिन सरकार हम लोगों को 6 साल से संविदा कर बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को मजदूरी तक नहीं दे पाते हैं। कहते हैं बाढ़ का ये हुआ, होता तो है लेकिन आप सुनते कहाँ हैं। ये 10,000 में दिन रात खटाते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना होता है, ये कहाँ का मानवता है। ये संविधान में कहीं है जो आप 40 किलोमीटर रोज और 40 किलोमीटर आइए और अपने परिवार के साथ एकदम ऐसा महसूस होता है जो क्या मजदूरी के लायक भी नहीं है। इसलिए हम लोग 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे हैं और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग प्रदेश नेतृत्व में भी वहाँ जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष से भी वार्तालाप करने के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष का अगर आह्वान हुआ तो हम लोग आगे की रणनीति अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाने के लिए हम सभी साथी तैयार हैं। इसके लिए संघ एकता जिंदाबाद, आवास कर्मी जिंदाबाद। अभी आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए आप देख रहे होंगे कि जितने भी साथी हैं वो सभी ग्रामीण आवास कर्मी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आते हैं। हम लोग की बहाली 2014 में हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 2015 में एक अशोक चौधरी कमेटी रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें तमाम संविदा कर्मी को नियमित करने की बात कही गई थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2015 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सभी को नियमित किया जाएगा, लेकिन ये 5वां साल उनका बीत रहा है। आपको पता होगा कि पिछले 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री का कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा हुई थी और अभी आज 3 सितंबर है, तो हम लोग कितने दिन इंतजार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो बोलते हैं करते हैं, तो आपने क्यों नहीं किया अभी तक। हम लोग क्यों यहाँ पर संविदा के रूप में काम कर रहे हैं। आपने बोला कि नियमित करेंगे, आपने अशोक चौधरी कमेटी गठित किया, वो रिपोर्ट आपके पास है, क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चीज बताइए, संविदा पे बहुत सारे लोग बहाल हैं, क्या वो सारे संगठन आपसे जुड़ेंगे इस मामले में लेकर। सारे संगठन हम लोग जुड़े हुए हैं और सारे संगठन हम लोग 3 दिन से सांकेतिक सामूहिक अवकाश पे हैं। अवकाश पे, सामूहिक अवकाश पे हम लोग 3 दिन से, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई थी उनका रिपोर्ट, हमको लगता है 5 बार उस कमेटी का रिपोर्ट में फेरबदल किया गया, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में 11 लाख संविदा कर्मी हैं, 11 लाख परिवार हैं,
हम 11 लाख परिवार अभी प्रताड़ित हो रहे हैं। इस बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि संविधान को मैं खत्म करूंगा, अशोक चौधरी के कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार। अशोक चौधरी कमेटी का रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री के टेबल पर रखा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री उसको लिपापोती कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उस रिपोर्ट को प्रकाशित करें और हम सभी 11 लाख संविदा कर्मी को नियमित करें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल पासवान नाम हुआ, जिला संरक्षक। आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे 3 दिनों से अनशन पे हैं? आप लोग क्यों बैठे हैं? पिछले 6 साल से हम लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास कर्मी का बहाली किया गया, जिसमें लेखा सहायक, इंदिरा आवास का सुपरवाइजर और ग्रामीण आवास सहायक और एग्जीक्यूटिव, ये सब का बहाली पिछले 6 साल पहले किया गया था संविदा के आधार पर। हम लोगों को सही से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जितना हम लोगों को चाहिए था वो अभी तक मिल नहीं रहा, जिसके कारण हम लोग पिछले 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक सांकेतिक हड़ताल पर, पूरे बिहार के जितने भी आवास कर्मी हैं हम लोग सांकेतिक हड़ताल पर अपनी मांगों के लिए पुरजोर से नीतीश कुमार को हम लोग ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर मांगे नहीं मांगी गई तो अगर सांकेतिक हड़ताल से हम लोगों का मांग अगर पूरा नहीं किया जा रहा है तो इसके लिए आगे रणनीति होगी और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग सब चले जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी मांग मान ली जाएगी? हमको लगता है कि जब हम लोग एक होंगे, हमारे संगठन अगर एक है, पूरे आवास कर्मी, पूरे बिहार नहीं, पूरे जितने भी बिहार में आवास कर्मी हैं, हम लोग संविदा कर्मी हैं, वो सब हम लोग एकजुटता से, चट्टानों के साथ एकजुट से हम लोग हैं। हमको लगता है कि सरकार मानेगी और आवश्यक हमारी सारी मांगों को पूरा करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नेमतुल्ला हुआ और मैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हूँ। संविदा कर्मियों को रेगुलर करना होगा, रेगुलर करना होगा, बहाली करनी होगी, बहाली करनी होगी। समाज कर्मी जिंदाबाद, समाज कर्मी जिंदाबाद।